वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैद्यनाथ कनकासप सिरप के बारे में। बैद्यनाथ कनकासप सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, सर्दी जुखाम, काइटिस या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैद्यनाथ कनकासप सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसन है जिसे मुख्य रूप से धतूरा, नागकेसर, पीपली, अदरक, गुड़ जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया जाता है और इसे बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सभी प्रकार की खांसी और ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बलगम वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधी समस्याएं, सीने में जकड़न, गले में खराश, दमा जैसी सभी प्रकार की खांसी के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक मेडिसन है। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें क्योंकि इसकी डोज आयु, लिंग और समस्या के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 से 15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। आइए आप जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 450 ml सिरप आपको 165 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको बैद्यनाथ कनकासप सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।